नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। सबसे पहले आप सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कि अब सौदागर की फैमिली में 50,000 लोग जुड़ चुके हैं, यानी कि सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आज का वीडियो है पुणे वेस्ट के बारे में, बानेर के बारे में। आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने ये कहा कि पुणे वेस्ट के काफ़ी कम वीडियोज़ आ रहे हैं, तो अब हमने ये ठान लिया है कि 50,000 सब्सक्राइबर के बाद आप लोगों को पुणे वेस्ट के जो अनछुए लोकेशन है उसको पहुंचाया जाए, यानी कि जो हमने रिव्यू नहीं किया है, डिटेल आप तक नहीं पहुंचाया है। तो आज इसी कड़ी में हम लोग बानेर का जो हिल सेक्शन है, यानी कि बानेर का पैन कार्ड क्लब रोड का जो पूरा सेक्शन है, वहां का पूरा एरिया आपको एक्सप्लोर कराने वाले हैं। वीडियो को आखिरी तक देखें क्योंकि तमाम जानकारियां इसमें हमने समेटने की कोशिश की है और लगातार बानेर के एक दो पार्ट और भी आएंगे। तो अपनी प्रतिक्रिया बताएं और क्या देखना चाहते हैं ये भी कमेंट में लिख के बताएं। यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर करने के साथ साथ आप अपने चैनल सौदागर को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आइए सबसे पहले बानेर के भूगोल को समझ लेते हैं। बानेर पुणे जिले के वेस्ट में स्थित है, जो कि हवेली तालुका और पुणे म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंतर्गत आता है। यदि हम बानेर के बॉर्डर्स को समझें तो इसके ईस्ट साइड में औंध, वेस्ट साइड में मुंबई पुणे बैंगलोर हाईवे और महाड़ुंगे मौजूद है। वहीं नॉर्थ साइड में देखें तो बालेवाड़ी और साउथ में बानेर हिल और पाषाण मौजूद है। आइए बानेर के इतिहास को समझ लेते हैं। बानेर का इतिहास कड़मकर परिवार से जुड़ा हुआ है, जिन्हें बानेर विरासत में मिला। 17वीं शताब्दी में बानेर के शासक श्री काओजी कड़मकर थे और इन्होंने बानेर हिल पर तुकई माता मंदिर का निर्माण भी कराया, जो कि आज के समय में बानेर पाषाण बायोडाइवर्सिटी पार्क का हिस्सा है। ऐसी मान्यता भी है कि बानेर का इतिहास श्री राम व पांडव कालीन भी है, और यह कहा जाता है कि इसी स्थान पे श्री राम जी ने वाणासुर की हत्या की और इसी वजह से इस स्थान का नाम भी बानेर पड़ गया। और अगर पांडवकालीन की बात करें तो यहाँ पे जो हिल मौजूद है वहाँ पे कई गुफाएं, कई केव्स भी हैं जो पांडवकालीन बताए जाते हैं। पहले के समय यह भी कहा जाता था जिस क्षेत्र में नदी और पहाड़ दोनों मौजूद हैं वह संपन्न होता है। यदि आप बानेर में देखें तो यहाँ पे मुड़ा रिवर और यहाँ पे हिल सेक्शन भी मौजूद है, यानी कि यह क्षेत्र काफी लंबे समय पहले भी समृद्ध था। तो साथियों, जैसा हमने आपको बताया, इस वीडियो में हम लोग बानेर के पैन कार्ड क्लब रोड और उसके आसपास के एरिया को एक्सप्लोर करेंगे। तो चलिए पहले सफर की शुरुआत करते हैं औंध बानेर रोड से। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो राइट साइड में आप लोग देख सकते हैं पुणे मेट्रो का काम यहाँ पे चालू है। यह जो पूरा लाइन है ये लाइन 3 है, जो कि आपका हिंजौड़ी से सिविल कोर्ट तक जाता है। इसके पूरे लेंथ की बात करें तो 23.3 किलोमीटर का ये लेंथ है। और यहाँ के सबसे नियरेस्ट स्टेशन की अगर बात करें तो वो एक आपका रहेगा पालेवाड़ी और दूसरा जो रहेगा वो बानेर गांव में रहने वाला है। पुणे मेट्रो की पूरी जानकारी हमने सौदागर मेट्रो सीरीज में रखी हुई है, जिसे आप हमारे मेन चैनल पे जाके देख सकते हैं। अभी हमने आई बटन पे इसके प्लेलिस्ट का लिंक भी दे दिया है, यहाँ पे भी प्रेस करके आप पुणे मेट्रो के बारे में सारी जानकारी ले सकते हैं और तमाम वीडियो लगातार हम इस सेगमेंट पे ला रहे हैं। अभी हम लोग औंध बानेर रोड पर आगे बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं बालेवाड़ी फाटा तक। यहां से जैसे ही हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे लेफ्ट टर्न अगर आप देखें तो ये पैन कार्ड क्लब रोड है, जो कि आपको काफी सकरा दिख रहा है क्योंकि ये पूरा एरिया है गांवठान का, यानी कि बानेर गांव का, और यह रोड आगे जाके काफी वाइड हो जाता है। अभी हम लोग औंध बानेर रोड पे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आगे चल के आपको ले चल के दिखाने वाले हैं पैन कार्ड क्लब रोड के पीछे का पूरा हिस्सा हिल सेक्शन तक। आगे बढ़ के अब हम लोग पहुंच चुके हैं कमेंस सिग्नल तक। अगर आप इस पूरे लेन का एरिया देखें तो इसका हमने एक डेडिकेटेड वीडियो पहले भी बनाया हुआ है, उसको भी हम लोग आई बटन पे चला देते हैं जिससे आप उसे देख पाएं कि आज के 1.5-2 साल पहले यहाँ का नज़ारा कैसा था। राइट साइड में अभी आप देख रहे हैं अमर की पूरी बिल्डिंग। अब यहाँ से सीधा लेफ्ट लेके हम लोग आगे बढ़ चलेंगे रघुनाना कड़मकर चौक तक। यदि हम लोग देखें तो इस पूरे लेन पे तमाम प्रोजेक्ट ऑलरेडी डिलीवर्ड हो चुके हैं, चाहे आप बात करें रेजेंसी कॉस्मस, कस्तूरी लिगेसी, एमरल्ड सिटी
और आगे चल के यहीं पे आपको वसंत विहार का बंगलो सोसाइटी भी मिल जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चलते हैं हिल सेक्शन तक और फिर देखते हैं वहां से इस पूरे लोकेशन का बर्ड आई व्यू। साथियों, अभी जिस हिल को हम लोग देख पा रहे हैं यही है बानेर हिल्स, और अगर हम इसके हाइट की बात करें तो पूरे पुणे सिटी में ये थर्ड प्लेस पे आता है, यानी कि जो इसकी हाइट है वो 2224 फीट के आसपास है। और अगर हम देखें तो यहाँ से आपको सीधा पूरा पाषाण लेक और पाषाण का पूरा एरिया दिखने लग जाता है। साथियों, यदि आप इस पूरे बानेर हिल को देखें तो यह वी शेप में फैला हुआ है और इसी हिल से लग के बनने वाला है हिल साइड रोड, जो कि कहीं ना कहीं सीधा आपको ले जाके मुंबई पुणे बैंगलोर हाईवे तक कनेक्ट करता है। अगर यह रोड पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि बीच बीच में कुछ पैचेज पे अभी काम होने बाकी हैं, तमाम लोगों ने, यहाँ के जो गांव के लोग हैं उन्होंने स्ट्राइक भी की कि इस रास्ते को बनाए जाने से कहीं ना कहीं बायोडाइवर्सिटी का जो पूरा एरिया है उस पर कुछ ना कुछ रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन फाइनली जाके इस पर निगोशिएशन हो पाया है। और ये रास्ता जब बन जाएगा और कनेक्ट हो जाएगा आपका हाईवे तक, तो कहीं ना कहीं जो यहाँ पे तमाम प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं, चाहे कल्पतरू जेट की बात करिए, ट्राइड प्लेटिनम की बात करिए, 24 के सेरोनो की बात करिए, या फिर सुप्रीम एस्टिया वगैरह की बात करिए, उनके लिए यहाँ की कनेक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग हो जाएगी। और जो यहाँ से आप पूरे व्यू को देखें, यदि आप सिर्फ इस लैंड एरिया पे भी आते हैं तो आपको बानेर और बालेवाड़ी का तमाम एरिया दिखने लग जाता है। जाहिर सी बात है यह पूरा हिस्सा कहीं ना कहीं काफी ऊंचाई पे मौजूद है, अगर हम बानेर के बाकी हिस्सों से बात करें तो। यदि आप इस पूरे सेक्शन में देखें तो तमाम कॉमर्शियल बिल्डिंग भी मौजूद हैं, जिसमें पंचशील 11 वेस्ट, मित्तल का वन प्लेस बानेर, मालपानी ग्रुप का और वेस्ट फोर्ट, ये तमाम जो है कॉमर्शियल बिल्डिंग यहाँ पे मौजूद हैं। यानी कि आप कह सकते हैं इस लोकेशन में काफ़ी पोटेंशियल है। और यह जो कड़ी आप अभी देख पा रहे हैं, इसमें हमने आपको यहाँ के जियोग्राफी, यहाँ की हिस्ट्री और यहाँ का इस पूरे एरिया का क्या व्यू है वो दिखाने की कोशिश की है। इसका पूरा डीप एनालिसिस हम लोग पार्ट 2 पार्ट 3 में लाने वाले हैं, तो आप लोग लगातार सौदागर से जुड़े रहिए। आपकी क्या प्रतिक्रिया है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं, आप इसमें और क्या ऐड करना चाहते हैं जो आने वाले सेगमेंट में हम लोग ऐड कर सकें, वह भी आप हमें लिख के बता सकते हैं। और पुणे वेस्ट से हम लोग तमाम वीडियोस लगातार अब कवर करने वाले हैं। यदि आपने सौदागर के चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आपको रियल इस्टेट से जुड़ी तमाम जानकारियाँ लगातार मिलती रहें और अपना प्रोत्साहन सौदागर के साथ बनाए रखें। जल्द मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।